पहिले पढ्नु पर्यो एमसिसी कहाँ छ राष्ट्रघाती, मैले हेर काहीँ राष्ट्रघाती देखाएको छैन मैले, म पनि चाहन्छु काहीँ राष्ट्रघाती देखाएको छ, मैले नेपालको नेपाल प्रधानमन्त्री हुँ, नेपालको राष्ट्र खिलाफमा जाउँला मैले, म पनि प्रजातन्त्र लडेको राष्ट्रको लागि लडाइ मान्छे हो, के राष्ट्रघात काम गरौँला मैले, राष्ट्रघाती सन्धि किन गरौँला। यस सम्बन्धमा तपाईँहरू सबै पढ्नुहोस्, अध्ययन गर्नुहोस् र हाम्रो विश्वास छलफल हुँदैछ प्रचण्डजीहरूसित अरू नेताहरूसँग हामी छलफल गरिरहेका छौँ। यो यो एमसिसी चाहिने एकदमै चाहिने यो चाहिने नेपालको हितमा छ, सित्तै आएको पैसा हो यो, हेर्नुहोस् सित्तै आएको पैसा चाहिने भन्छ, वर्ल्ड ब्याङ्क एडिबीबाट हामी ऋण लिन्छौँ, त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन लागू हुन्छ, एमसिसी सित्तै आएको छ, नेपालको कानुन मान्छु भनिया छ तै पनि मान्दैन, राम्रोसँग बुझ्नु पर्यो, बुझ्नु पर्यो क्या त्यही कुरा हो। म चुनौती दिन्छु, तपाईँको चुनौती म स्वीकार गर्छु, को विद्वान को यो सरकारका सल्लाहकार हुनुहुन्छ आउनुहोस्, यदि मलाई सम्मान्य सभामुख महोदय समय हुन्छ भनेर मैले प्रत्येक यी सम्झौताका धाराहरू तफाहरू मसँग यहाँ मैले ती जस्ताको तस्तै यहाँ लिएर आएको छु, के मलाई त्यो समय दिइन्छ? सडकमा बहस गर्ने कि संसदमा, अछाममा गर्ने कि काठमाडौँमा स्वीकार्य छ, त्यति मात्र होइन मान्यज्यू, सम्माननीय सभामुख महोदय म आग्रह गर्न चाहन्छु, यसलाई राष्ट्रघाती भनिएको छ, म राष्ट्रघाती भनिएको छ, स्वाधीनता तलमाथि यो सम्झौताको कारणले गर्दा हुन्छ भनिएको छ, कहीँ कतै तलमाथि भयो भने नेपालले जे व्यवहार छ म आज यसमा हस्ताक्षर गर्ने सांसद भएर सरी भनेर मात्र पाउँदिन। मलाई थाहा छ जसले हतार हतारमा यत्रो ठुलो नेपाली जनताले उठाएको विषय, यति राष्ट्रियताको सवालसँग गाँसिएको विषयलाई हतार हतार यसरी जुन पारित गर्न खोजिँदैछ, यो नै नेपालको स्वाधीनताको विरुद्ध गरिएको नाङ्गो षड्यन्त्रको पुष्टि हुने प्रमाण हो। यदि त्यस्तो भयो भने म काठमाडौँको सांसद हुँ, थानकोट कटाइयोस्, नागरिकता खोसियोस्, चारपाटे मुडियोस्, सम्पत्ति विवरण बुझाएको छु सम्मान्य सभामुख महोदय, सम्पत्ति खोसियोस्, मान्यजीहरू तयार हो? यदि यही पाँच वर्षभित्रमा आज जनतालाई भनेको कुरा, सेना आउँछ, स्वाधीनता लुटिन्छ, सम्पत्ति अरूले लिएर जान्छ, अमेरिकी कानून लागू हुन्छ भनेको कुरा पाँच वर्षमा सम्झौता सकिँदै गर्दाखेरि भएन भने त्यो कुरा गर्नलाई तयार हो? तयार हो भनेदेखि भने यो पनि चुनौती हो सम्माननीय सभामुख महोदय, राष्ट्रवाद र देशभक्तिको फरक भनेको नक्कली राष्ट्रवादी आफ्नो नारामा मान्छेलाई मर्नको निम्ति उचाल्छ, मार्न तयार हुन्छ, म देशभक्त हो मर्न तयार हुन्छु। एमसिसीसँग 60 अरब लियो, अब चीन जाउँ, चीनलाई गएर भनौँ अमेरिकाले 60 अरब दियो, बिआरआई अन्तर्गत 70 अरब दियो भनेर भनौँ, अनि भारत जाउँ, भारतलाई गएर भनौँ उसले 60 दियो 70 दियो हामीलाई 80 दियो भनेर भनौँ, सबैको ल्याऊ। नेपालको अमेरिका पैसा देने के लिए बैठा हुआ था और नेपाल था कि पैसा लेने से इनकार कर रहा था, ये मतलब कैसा अजब संयोग है भाई, अमेरिका कहे कि पैसा ले लो, $500 मिलियन दे रहे हैं और नेपाल कहे नारे बाबा ना नहीं लेंगे, लेंगे तो हमारे देश में भूचाल आ जाएगा, स्थितियां बिगड़ जाएंगी, लोग सड़कों पर उतर आएंगे, लोगों को भगाने के लिए वाटर कैनन डालना पड़ेगा, लोगों के कारण इतना बड़ा विरोध देखना पड़ेगा, आप तस्वीरों से देखिए, अरे ऊपर कौन बैठा है, चाइना बैठा है ना, तुमको दिखता नहीं है क्या, सब देख रहा है वो, और उसने कह दिया है कि अमेरिका से पैसा लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने कारनामा कर ही दिया, हालांकि इनके देश में पूरी तरह से आग लगी हुई थी, लोग सड़कों पर उतरे हुए थे कि अमेरिका से पैसा नहीं लेना है, लेकिन नेपाल की संसद जो है वो समझदार निकली, इतनी समझदार निकली कि उन्होंने एग्रीमेंट कर ही डाला। 28 तारीख को यूएस और नेपाल ने $500 मिलियन का एक कॉम्पैक्ट डील साइन कर ली। अमेरिका ने एक बार गरीब देशों की मदद करने के लिए फंड बनाया, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे अपने अलग अलग धर्मों में दान की प्रथा होती है, अमेरिका ने भी ऐसे ही एक दान की प्रथा बनाई कि चलो कुछ गरीबों का भला कर दिया जाए, उन गरीबों के भले के लिए इसने एक फंड बनाया जिसका नाम एमसीसी फंड है। वो बात दूसरी है कि वो गरीब नेपाल अपने आप को नहीं समझता, इसमें से एकदम लपझप लाइट जा रही है, ये लाइट ना तुम्हारे यहां से निकल के इंडिया जानी चाहिए, यानी कि तुम्हें ये लाइट खुद के उपयोग में नहीं लेनी है, लाइट पैदा करोगे तुम, बेचोगे इंडिया को, समझे? मतलब तो एक बात बताइए कि क्या अमेरिका जो है वो इंडिया की तरफ से बैटिंग कर रहा है कि नेपाल की तरफ से कर रहा है, खेल किसकी तरफ से रहा है, समझ से परे है। तुम दान दे रहे हो कि दान देकर के काम बताने का आदेश दे रहे हो? यार मामला तो उलझा हुआ यही, अमेरिका ने पैसा दिया
और जो है नेपाल उसके बताए अनुसार काम नहीं किया तो क्या कर लोगे। हमने कहा इसी बात को तो लेके लड़ाई हो रही है, क्योंकि ये अमेरिका लोन तो दिया सो दिया, ऊपर से धमका। और दो शर्तें हैं, शर्त नंबर एक ये है कि हमारा कानून अगर पिटा तुम्हारे चक्कर में तो बेटा हमसे बुरा कोई नहीं होगा, बोल ठीक है। दूसरा क्या कानून है, बोल दूसरा कानून ये है कि तुमने खर्चा किया कि नहीं उसको चेक करने हमारी तरफ से ऑडिटर आएगा, चेक करेगा। और सुनो, वो केवल हमारा अकाउंट नहीं, तुम्हारा अकाउंट चेक करेगा, तुमने और पैसा कहां से लिया, कहां पैसा खर्च किया। बोले प्रभु चाहते क्या हो, बोले सुनो तुमसे हम चाहते हैं कि तुम इन दिनों चाइना के बहुत नजदीक जा रहे हो। चाइना की गवर्नमेंट ऑफिशियल ने लिखा है, यूएस डिस्क्राइब्स द 500 मिलियन एमसीसी एज यूएस फंडेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम इन नेपाल एज ए गिफ्ट फ्रॉम द अमेरिकन पीपल बट मीनवाइल गेव नेपाल एन अल्टीमेटम Should a gift be delivered by an ultimatum? वारे वार डिप्लोमेसी। भाई साहब ये बात तो चेप चाइनीज ने एकदम सही कही है, मतलब इनकी बात में हमें दम भी लगा। इनने कहा एक तरफ तो यार आप गिफ्ट दे रहे हो सामने वाले को, दूसरी तरफ से आप अल्टीमेटम भी दे रहे हो। एमसीसी मतलब केवल नेपाल पे ही मेहरबान हुआ था कि इससे पहले भी किसी और पर मेहरबान हुआ था? हुआ था, बहुतों पर हुआ था। एक बार फिलीपींस के पास गया अमेरिका की, सुनो हम तुम्हें एमसीसी देना चाहते हैं, बोले प्रभु अपने पास रखो, नहीं चाहिए आपका ये प्यार जिसमें इतना तकरार हो। ऐसे एक बार श्रीलंका के पास गए, सोचो जो श्रीलंका एकदम बर्बाद हुआ फिर रहा है, हालात ये हैं कि पैसा मांगता फिर रहा है कि भाई पैसा दे दो, दो चार लोग घूमने ही आ जाओ श्रीलंका टाइप से, भाई साहब वो श्रीलंका हाथ जोड़ लिया, प्रभु नहीं आपका ये प्यार झेल नहीं पाएंगे। ये बिल्कुल सोनाक्षी सिन्हा की तरह डायलॉग मार दिए, थप्पड़ से नहीं प्यार से डर लगता है। मुद्दा ये है कि नेपाल के साथ जो हुआ वो तो ठीक है, रजिया फंस गई गुंडों के बीच, ये वाली स्थिति हो गई। इंडिया के साथ क्या हुआ, इंडिया के साथ फायदा हो गया। कैसे? कारण ये है कि इंडिया का तो जानी दुश्मन बैठा चाइना है, हम तो चाहते हैं कि चाइना दूर रहे। अब हम जो है नेपाल की इतनी फीडिंग कर नहीं पाएंगे कि हम उसको पैसा भी देते रहें और उसकी सुनते भी रहें, वो सब बातें अपन से तो ना हो पाएंगी। ऐसी स्थिति में अमेरिका आया, अमेरिका पैसे टिकाया और सबको कह दिया कि देखिए नेपाल को साथ में लेकर के हमने इसे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपना करीबी सहयोगी बना लिया है। नेपाल ने कहा महाराज हम किसी भी ग्रुप का हिस्सा नहीं है, आपकी इंडो पैसिफिक नीति के अंदर अगर हम घुस गए तो चाइना वाले हमें अपनी रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव में ना चिपका देंगे, जिसको हमने 2017 में अडॉप्ट करके कहा था कि चाइना हम आपके साथ हैं, ऐसा मत करिए, हमें इंडो पैसिफिक पॉलिसी का हिस्सा मत बनाइए। अमेरिका कह रहा है नहीं नहीं वो तो तुम ऑटोमेटिक हो गए, मतलब ये वो वाली चीज है कि आ गई ना तो अब आप हमारी टीम के अंदर फंस गए हो। अब यार नेपाल की हालत